हो प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2002 में पूछा गया ये प्रश्न, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो एक अंक कितनी संख्याएं होती हैं, एक अंक की संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक, यानी कुल होती हैं हमारी 9 संख्याएँ। 2 अंक की संख्या हमारी 10 से शुरू होती हैं और 99 तक होती हैं, तो इनकी संख्या होती है 10 से पहले कितनी थी हमारी 9, 9 घटा देंगी 99 में से तो हमारे पास आ जाएंगी 90। और 3 अंक की संख्या हमारी शुरू होती है 100 से और ये होती है 9999 तक। अगर 100 से पहले हमारी 99 थी तो 99 को, जो कि 1 और 2 अंक की थी, उनको अगर इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं 900, यानी 3 अंक की कुल संख्याएं होंगी हमारी 900। और 4 अंक की संख्याओं की बात करते हैं तो ये शुरू होती हैं 1000 से और चलती हैं 9999 तक। इससे पहले 999 संख्याएं जो थी वो 1, 2 और 3 अंक की थी, जो कि ये हैं हमारी टोटल, इनको घटा देंगे इसमें से तो ये बचेंगे 9000। तो अगर हम 5 अंक की संख्याओं की बात करते हैं तो 5 अंक की संख्या हमारी शुरू होती है 10000 से और ये चलती है 99999। तो इनकी संख्या होगी हमारे पास 90000। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 अंक की जो संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है 9000। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास 3। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।